हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल एग्जाम का एनालिसिस करने वाले हैं। 2023 का 2 अगस्त की ऑल शिफ्ट का एक ही वीडियो में आपको रिव्यू देने वाला हूं कि किस शिफ्ट में मैथ से कितने क्वेश्चन पूछे गए, किस टॉपिक से पूछे गए, रीजनिंग से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, इंग्लिश से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, क्या उसका हार्डनेस लेवल था, क्या सेफ अटेम्प्ट हो सकता है, जीके से कितने क्वेश्चन पूछे गए, पूरे आपका देखिए पूरा डाटा लेके आया हूँ। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आने वाला है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताऊंगा कि कहां से आप इसको पढ़ सकते हैं कम समय में, अगर आपका आने वाले समय में एग्जाम है तो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेपर का लेवल क्या था, सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकते हैं, इस 2 अगस्त की ऑल शिफ्ट का एक एवरेज बताऊंगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं उन्हीं को पढ़ के चलिएगा, क्योंकि सेम एसएससी जो सीजीएल में इसने जो टॉपिक्स पूछे थे वही ये एसएससी सीएचएसएल में भी रिपीट कर रहा है, तो आगे आने वाली शिफ्ट में भी आपका यही पैटर्न रिपीट होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। चलिए तो देखिए, आपको जो बता रहा हूँ सेम एज एसएससी सीजीएल के टॉपिक, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर देखिए, ये मेरे टेलीग्राम चैनल है द एग्जाम हेल्पर जीके, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या डायरेक्ट जाकर आप इसे सर्च मारेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए एसएससी सीजीएल का जो अभी पेपर हुआ 2023 का, टीयर 1 की इंग्लिश में ऑल 39 शिफ्ट, हिंदी में ऑल 39 शिफ्ट की पीडीएफ डली हुई है, जाके इसे डाउनलोड कर लीजिए और इसी को पढ़ लीजिए, यही पेपर सेम एसएससी सीएचएसएल में रिपीट हो रहा है, ठीक है। और देखिए सेम टॉपिक, मैथ के सेम टॉपिक, रीजनिंग के सेम टॉपिक और इंग्लिश के भी सेम टॉपिक जो एसएससी में पूछेगा वही पूछ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल अभी बोल रहा हूँ, जाइए डाउनलोड कीजिए, उन्हीं को पढ़ के चलिए, अगर आपका 2 से 3 दिन में एग्जाम है यही टॉपिक आपके बार बार पूछा रहे हैं। अब देखिए मैथ्स की बात करें, इसका लेवल जो था वो इजी टू मॉडरेट पूछा गया, ठीक है। चलिए तो एलजेब्रा से देखिए स्टार लगा रखा है, यानी कि ये पढ़ के ही जाना है आपको, 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछे गए, ट्रिगो से भी 3 क्वेश्चन, यानी कि ये दोनों से केवल 6 क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से पूछे गए, स्टार लगा है उसको तो पढ़ के ही चलिए ये बिल्कुल, ठीक है। टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन, मेंसुरेशन 3D से 1 कोन वाला पूछा गया, ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन वो भी दोनों सर्कल से पूछे गए, टाइम एंड स्पेंड एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन पूछे गए, ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो सर्कुलर पाथ है, जो कि इस बार नया पैटर्न डाला था एसएससी ने, जो कि सीजीएल में भी ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया, वही सेम इसने किस में पूछ लिया, सीएचएसएल में पूछ लिया, ठीक है। तो बिल्कुल फिर बोल रहा हूँ कि ये डाउनलोड कर लो, इसके जो टॉपिक हैं वही लगा लो, ये टॉपिक मैंने बता दी ये तो लगा लो, इसमें जो एक्स्ट्रा और भी कोई टॉपिक है तो उसको भी लगा लो, और यही इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिर बोल रहा हूँ उसको लगा लो, अगर सिलेक्शन लेना है डाउनलोड कर लो वहाँ से पीडीएफ। CI से 1 क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी से 1 क्वेश्चन, परसेंटेज से 1 क्वेश्चन, जो इनकम एंड वो होता है ना इनकम एंड सेविंग वाला वाला था, SI से 1 क्वेश्चन, रेशियो से 1 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन, और डिस्काउंट से 1, यानी कि ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट वाले सेक्शन आपका जो चैप्टर है उसको अच्छे से आपको करके जाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए और इसके अलावा हाइट एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन पूछा गया, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ के जाइए अगर आपने नहीं पढ़ा, ये नया टॉपिक है ये, मतलब नया नहीं, मतलब एसएससी सीजीएल में बहुत कम क्वेश्चन 1-2 शिफ्ट में ही देखने को मिले, बाकी सीएचएसएल में हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसे एवरेज की बात करूँ 1 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन पूछेगा और DI से 2 क्वेश्चन पूछे गए, ये रहा आपका मैथ्स का पूरा टॉपिक, तो पूरे टॉपिक्स को आप जो है नोट कर लिए। बात करें रीजनिंग की, ईजी पूछा जा रहा है और इसमें जो टॉपिक पूछे गए काउंटिंग फिगर, ऑड वन आउट से 3 क्वेश्चन, ये देखिए स्टार लगा है, ऑड वन आउट वाले अच्छे से करके ये टॉपिक को, मिरर वाटर में से 1, नंबर एनालॉजी से 2, नंबर सीरीज से 2, कोडिंग डिकोडिंग से 2, यानी कि ये तीनों टॉपिक अपने आप में हाईलाइट है, इनसे ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एम्बेडेड फिगर यानी कि कौन सी आकृति निहित है 1 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन 1, कैलेंडर 1, वेन डायग्राम 1, स्लॉक्स 1 और मिसलेनी से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए, तो ये वाले टॉपिक रीजनिंग में पूछे गए, यही सेम रिपीट हो रहे हैं। इंग्लिश की बात कर लेते हैं तो एरर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, सेंटेंस जो इंप्रूवमेंट है उससे 2, इडियम्स से सिनो से एंटो से 2-2 क्वेश्चन, यानी कि ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, वोकैबुलरी और 1 वर्ड से 1, यानी कि वोकैबुलरी का जो सेक्शन है उसी से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए। एक्टिव पैसिव से 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा, पढ़ के जाएगा। PQRS से 2 से 3 और क्लोज चेस से 5 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। इंग्लिश का लेवल भी आपको ईजी देखने को मिला है। बात कर लेते हैं सेकेंड शिफ्ट की, कि सेकेंड शिफ्ट में मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश का क्या था, सेम एज फर्स्ट शिफ्ट के टॉपिक और वही लेवल यहाँ पर इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। 19-20 का अंतर हो सकता है, आगे वाले आने वाली शिफ्ट में इसमें कुछ चेंजेस होंगे, यानी कि लेवल में चेंजेस होगा, बाकी टॉपिक यही रहने वाले हैं। फिर बोल रहा हूँ इन टॉपिक को नोट कर लो, अपनी कॉपी में स्क्रीनशॉट ले लो, इन्हीं को पढ़ के आपको जाना है। बात करें शिफ्ट 3rd की, सेम एज फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग ये तीनों चीज़ आएंगी, जीके थोड़ी डिफरेंट है मैं बताऊंगा, बट उसमें भी सिमिलरिटी है, लगभग 90% सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है। शिफ्ट 4 के भी आपका सेम एज फर्स्ट शिफ्ट के जो टॉपिक है वही टॉपिक पूछे गए। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता, टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, टॉपिक से बाहर थोड़ी ना क्वेश्चन पूछ लेगा वो, ठीक। तो टॉपिक पे फोकस करो, मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश के इन टॉपिक को कर लो, यही टॉपिक आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। दूसरा टेलीग्राम चैनल है द एग्जाम जी के, फिर बोल रहा हूँ ज्वाइन इस, ये PDF डाउनलोड कर लो CGL की 39 शिफ्ट की, ठीक है। इसमें जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे लगा लो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा CHSL में। चलिए
अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो आपका जीके है उसमें क्या क्या पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। चलिए, और दोस्तों शिफ्ट फर्स्ट की जीके की बात करें, ये भी पूरा सेम एंड एसएससी सीजीएल जो 2023 का पैटर्न था वही फॉलो कर रहा है। पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया, रुक्मणी देवी जो आर्टिस्ट होते हैं ना, आर्ट से आर्टिस्ट किस आर्ट के संगीत से, किस नृत्य से, किस डांस फॉर्म से जुड़ा हुआ, वो पूछ रहा है, किसको कौन सा अवार्ड मिला वो पूछ रहा है। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल को 1956 में कौन सा अवार्ड मिला, पद्म भूषण। और ये क्या है, ये भरतनाट्यम से रिलेटेड है। अदिति अशोक, जितने भी स्पोर्ट्स के जो प्लेयर्स हैं या स्पोर्ट्स के जो ग्राउंड्स वगैरह होते हैं उनकी मैप क्या होती है, किस खेल में क्या मेडल दिया जाता है, आईपीएल हो गया, ओलंपिक हो गया, है ना, आपके जो फीफा हो गया, वर्ल्ड कप, जितने भी जो स्पोर्ट्स के हैं, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हर्ष आदित्य अशोक से पूछा गया था। कितने अभी तक इन्होंने गोल्ड मेडल जीते, तो 6 जीते हैं, और ये गोल्फर है, और कहाँ की, बेंगलुरु की ये गोल्फर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप का पूछा गया, कैसे मिले, तो शुभमन गिल को मिली है, गुजरात टाइटन से हैं ये, 890 रन इन्होंने बनाए थे। तो जितने भी आईपीएल का जो पूरा आईपीएल आप देख के जाइएगा कि आईपीएल में किसने क्या क्या चीज़ें जीती हैं, मैंने थोड़ी बहुत लिख दी है, जैसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट विनर कौन था, सीएसके 5वीं बार उपविजेता था, गुजरात टाइटंस, और शुभमन गिल को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन और गेम चेंजर ऑफ द सीजन मिला था। इसके अलावा मोस्ट विकेट किसने लिए पर्पल कैप के लिए, मोहम्मद शामी गुजरात टाइटन के थे, 28 विकेट लिए। इमर्जिंग प्लेयर यशस्वी जायसवाल थे राजस्थान रॉयल के, और टीम फेयर प्ले अवार्ड जो मिला था दिल्ली कैपिटल्स को ये मिला था। इसके बाद बात करें, आवर्त सारणी से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर शब्द में एक क्वेश्चन पूछा गया, इसमें पूछा अष्टक सिद्धांत किसने दिया, तो जॉन न्यूलैंड ने दिया। डोवे, अब अगली शिफ्ट में पूछ सकता है डोवे राइनर का, दोस्तों डोवे राइनर का पूछ सकता है अगली शिफ्ट में तिरक नियम था, ठीक है। एल्कोहल के किड़वन से क्या बनता है, तो इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड। मुंडारी नृत्य किस राज्य का है, तो दोस्तों झारखंड की एक जनजाति है उसका नृत्य है मुंडारी नृत्य, और झूमर भी झारखंड का क्या है, लोक नृत्य है। तो जितने भी जो नृत्य वगैरह होते हैं उससे आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस टॉपिक को पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 23 एंड 24। तो जितने भी जो आपके मौलिक अधिकार हैं पॉलिटी में पूरे पढ़ के जाइएगा, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिला है, मैंने बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख दिया, मौलिक अधिकार से पढ़ के जाइएगा, एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। साथ ही साथ ग्राम पंचायत किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 40 नीति निर्देशकत्व, हर शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन पूछेगा हर शिफ्ट में, और नोबल प्राइज से एक क्वेश्चन पूछा ही आ रहा है, ठीक है। 1909 में फिजिक्स नोबल प्राइज अधिकार किसे मिला था, तो ब्रॉन और मार्कोनी को, वायरलेस टेलीग्राफी के लिए। इसके बाद बात करें दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं कि दक्षिण भारत वास्तुकला शैली में मंदिरों के आंगन में शिला का स्तंभ बना रहता है, उसे क्या कहते हैं, तो इसे स्तूपिका बोलते हैं, यानी जो मंदिर हैं उनकी जो शैली है उससे एक क्वेश्चन पूछा रहा है। इकोनॉमी से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछ रहा है। यूपी में किस जाति को एससी से एसटी में शामिल किया गया, तो गौंड जाति, जो जातियाँ होती हैं उनसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है। शिव कुमार शर्मा किस वाद यंत्र और वादक हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, संतूर से रिलेटेड है। गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित नीति निर्देशक, हर शिफ्ट में दोस्तों नीति निदेशक से एक क्वेश्चन पूछा रहा है, ये क्या दो दो तीन तीन पूछा रहा है, बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। तो नीति निदेशक तक कौन से, गांधीवादी 40, 43, 43-20, 46, 47, 48। समान कार्य हेतु समान वेतन महिला एवं पुरुष के लिए आर्टिकल कौन सा, 39 डी। नीति निदेशक तत्व देखिए, 3 क्वेश्चन पूछ लिए। सूरज कुंड मेले से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया। तो भाई फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, टॉपिक मालूम होना चाहिए। सेम चारों शिफ्ट में यही टॉपिक रिपीट किया गया। हरियाणा फरीदाबाद में होता है सूरज कुंड, इसके अलावा अंबुबाची पूछ लिए तो असम में, गंगाराम सागर मेला वेस्ट बंगाल, मेदराम यात्रा तेलंगाना, पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान, त्रिशूरपुरम केरल में। टेबल टेनिस के प्लेइंग सरफेस के लिए ये एक नया क्वेश्चन ऐड किया, जिसमें जितने भी जो आप गेम्स खेलते हैं उसको जो कहां पर जो गेम खेले जाते हैं उस क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के बारे में पूछ रहा है। तो इसकी जो लंबाई होती है प्लेइंग सरफेस की 2.74 मीटर। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो एक जो केंद्र सरकार की योजना है उसे एक हर शिफ्ट में पूछा गया। ये 2015 में आई थी, युवाओं को स्किल डेवलपमेंट कोर्स सिखाती है, ठीक है, और सेम एज एसएससी सीजीएल में मेरी शिफ्ट में ये सेम क्वेश्चन था, ठीक है। इसके अलावा बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता 2015। तो बैंक से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा है। सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम किस राज्य में पाया था, तो उड़ीसा। तो जितने भी जो आपके खनिज होते हैं, जो उत्पाद होते हैं, लोह, इसके एल्यूमिनियम वगैरह, तांबा, पीतल, ये कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा किस राज्य में उगते हैं, इनसे एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है। टॉपिक मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख दिए, आर्ट एंड आर्टिस्ट से पूछा जा रहा है, नृत्य, त्यौहार, मेला, एक एक क्वेश्चन, सबसे दो दो क्वेश्चन इवन पूछे जा रहे हैं। तो स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन, योजना से हर शिफ्ट में एक, आवर साड़ी से हर शिफ्ट में एक, केमिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन, नोबेल प्राइज से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। मंदिर निर्माण की शैली कौन सी और कौन सा मंदिर कहाँ स्थित है ये पूछा जा रहा है। पॉलिटी से आर्टिकल जितने होते हैं, मौलिक अधिकार और नीति निर्देश तत्व, हर शिफ्ट में नीति निर्देश तत्व तो भाई इतने पूछे जा रहे हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। वाद यंत्र वादक हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन, बैंक से रिलेटेड हर शिफ्ट में 1 से क्वेश्चन, खेल की जगह की माप जो होती है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। चलिए हम शिफ्ट 2 को कर लेते हैं। तो दोस्तों शिफ्ट 2 से आपसे एक क्वेश्चन पूछा, किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलता है, तो नीलगिरी पर, ठीक है। अभी लास्ट में आपको सेफ अटैम्प्ट बताऊंगा कितना जा सकता है, ठीक है, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग।
और वैकेंसी कितनी है लास्ट ईयर कितनी थी वही बताऊंगा। उस्ताद अली अकबर का वाद यंत्र, तो मैंने बोला वाद यंत्र से पूछा तो सरोद वादक थे मेहर घराना से। पेलाग्रा रोग किस विटामिन, विटामिन से भी हर शब्द में एक क्वेश्चन तो पूछा जा रहा, तो विटामिन अच्छे से पढ़ के जाएगा। ये होता है विटामिन B3 नियासिन की कमी से। राज राजेश्वर मंदिर, मैंने बोला फिर मंदिर से आया, इसका निर्माण करता शासक कौन था, तो राजा राज चोल प्रथम था, चोल शासक किए थे। बृहदेश्वर मंदिर का अन्य नाम है तंजौर, तमिलनाडु में स्थित है। मंजू भार्गवी किस राज्य से संबंधित, तो ये आंध्र प्रदेश से है, कुचिपुड़ी नर्तक है। तो फिर बोला आर्ट एंड आर्टिस्ट से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फुटबॉल में पेनल्टी क्षेत्र के भीतर जो पेनल्टी स्पॉट होता है वो गोल लाइन से कितनी दूरी पर होता है, 12 मीटर। तो जितने भी मैंने बताया ना, जितने भी जो खेल के मैदान वगैरह होते हैं उनसे जो डिस्टेंस वगैरह होती है, उनकी जो माप होती है, उससे ये क्वेश्चन नया टॉपिक इन्होंने SSC ने ऐड किया, तो बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अगला, कौन सा शास्त्रीय नर्तक नहीं है, तो देखिए फिर से नर्तक से आ गया। इसके अलावा बस्तर दशहरा उत्सव, उत्सव मेला है ना, ये सब त्यौहार वगैरह कहाँ मनाया था, तो ये बस्तर दशहरा उत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया। दोस्तों उस सबसे जरूर पढ़ जाइएगा। फिर देखिए, फिर स्पोर्ट्स से देखने को मिला चेस से, ये 77वें ग्रैंड मास्टर कौन है, तो आदित्य मित्तल हैं। और फर्स्ट कौन से थे, विश्वनाथन आनंद, जो कि तमिलनाडु से थे, 1988 में बने थे। और आदित्य मित्तल कहाँ से है, महाराष्ट्र से, ये मैंने बता दिया। मनरेगा में कितने दिन का रोजगार दिया जाता है, 100 दिन का, तो योजना से फिर एक क्वेश्चन रिपीट देखने को मिला। और मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में आया था ये। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में 49 किलोग्राम में जो सिल्वर मेडल है वो किसे मिला था, तो ये मीराबाई चानू को मिला था, ठीक है। तो यानी कि स्पोर्ट्स से फिर एक क्वेश्चन देखने को मिला। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष में प्रसारित किया गया, तो ये किया गया था 1927 में लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। बेर हो गया, नीम हो गया, बबूल जहाँ पर उगते हैं उस स्थान पर कितनी वर्षा होती है, तो 50 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर देखिए, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखिए साहब, यहाँ पर मतलब नीति निर्देशक तत्व मैंने तो हद करके रख दिया भाई। आर्टिकल 47 में पूछा है किससे संबंधित है, तो पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार, ठीक है। तो जो जितने भी नीति निर्देशक तत्व में आपके आर्टिकल लेकर 36 से लेकर 51 तक पूरे पढ़ के जाना है, किस आर्टिकल में क्या चीज़ लिखी गई, ठीक है। आर्टिकल 22 यानी कि जो मौलिक अधिकार है उससे पूछा गया किससे संबंधित है, तो किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता है, तो मौलिक अधिकार से फिर एक क्वेश्चन पूछा गया। स्वास्थ्य अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य राजस्थान। उदासीन क्षेत्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है, तो ये ये फिजिक्स से होगा, ठीक है, फिजिक्स से है ये क्वेश्चन। CISR मिनिस्ट्री किससे संबंधित, हो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और 1942 में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। आर्गन की खोज किसने की थी, तो ये विलियम रामसे प्लस लॉर्ड रेले ने की थी, यानी कि आवर्त सारणी से फिर आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। CRR एंड SLR संबंधित है, नाबार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो और CRR एंड SLR ये मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड होती हैं, तो बैंक से रिलेटेड फिर से दो क्वेश्चन पूछे गए। तो जो मैंने टॉपिक बताया उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो देखने को मिले होंगे, 90% सेम टॉपिक यहाँ पर पूछा रहे हैं। शिफ्ट थर्ड हम देख लेते हैं, शिफ्ट थर्ड में क्या क्या पूछा गया, और फिर हम चलेंगे कट ऑफ की ओर, ठीक है। चलिए तो देखिए, यहाँ पर शिफ्ट थर्ड की मैं बात कर लेता हूँ। शिफ्ट थर्ड में मैंने टॉपिक ले लिए हैं और उसके रिगार्डिंग थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन, क्योंकि अब लगभग मैंने देखा कि टॉपिक पूरे सेम हो रहे हैं तो क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। टॉपिक हम यहाँ पर टॉपिक देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर पूछे गए थे, ठीक है। चलिए तो देखिए, करंट से एक पूछा गया, DGCA के महानिदेशक कौन है, तो करंट से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप करंट पढ़ के मत जाइएगा, जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो पूछ लो। खनिज भंडार से देखिए फिर एक क्वेश्चन पूछा गया, इसमें पूछा गया था ज्योग्राफी है, लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पर है। गदर आंदोलन ये हिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें जैसे कि उससे पूछा गया था चोल शासक वाला, 1913 में हुआ था। इकोनॉमी से एक क्वेश्चन, फ्लैट मनी किसे कहते हैं। भगौड़ा आर्थिक अपराधी नियम रिलेटेड किससे है। जनगणना से एक क्वेश्चन पूछा गया, तो जनगणना पढ़ के जाइएगा। ST की परसेंटेज मिनिमम मैक्सिमम किस राज्य में। आर्टिकल 42 से रिलेटेड नीति निर्देशक तत्व फिर आ गया, देखिए आर्टिकल 42 किससे रिलेटेड है। केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन फिर पूछा गया, स्टार्च का परीक्षण जो किया था उसे क्या बोलते हैं, तो आयोडीन परीक्षण बोलते हैं। जंगली गदा अभ्यारण्य कहाँ पर, गुजरात में, यानी कि नेशनल पार्क जो है आपके, जो राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय अभ्यारण्य होगा उससे एक क्वेश्चन पूछा रहा है। डांस से रिलेटेड पूछा गया, टप्पू डांस कहाँ होता है, किसके द्वारा किया था, तो आदि ट्राइब के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में होता है। स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो मैप होती है उसके पूछा गया था एक क्वेश्चन, ठीक है। 2011 में पद्म भूषण अभिनेत्री को दिया गया था, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो फिर से डांस, उसके आर्ट फॉर्म, आर्टिस्ट ये पूछा गया। हिस्ट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, मनसबदारी प्रणाली किसने लागू की, तो अकबर ने लागू की थी, ठीक है। तो ये कुछ फेमस टॉपिक थे जो मैंने बताए, अब हम देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, और इसके लिए मैं बता रहा हूँ फिर से कि SSC
CHSL और CGL के लिए आपका जो मेंस एग्जाम होगा उसके लिए हम जीके क्लासेस लेके आने वाले हैं, तो उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर जीके, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। साथ ही साथ टेलीग्राम फॉर PDF जो मैंने अभी बताई कि SSC CGL की सारी PDF वहाँ पर ली, उनको पढ़ के चले आओ, उसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को मिलेंगे। उसका चैनल है द एग्जाम हेल्पर जीके टेलीग्राम चैनल, तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी। और दोस्तों अगर लिंक वर्क ना करे तो डायरेक्ट जाके सर्च कर लें, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सेफ अटैम्प्ट क्या रहने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए सेफ अटैम्प्ट इस बार की वैकेंसी कितनी है, 1600, लास्ट ईयर कितनी थी 4500 वैकेंसी, क्योंकि लास्ट ईयर से ही पैटर्न चेंज हुआ है। 2022 में 4500 थी, इस बार कितनी है 1600 2023 में। कट ऑफ लास्ट ईयर ये गया था, देखिए 4500 वैकेंसी पर UR का 157 देखने को मिलेगा, OBC का 153, AWS का 151, SC का 135, ST का 125। इस बार का हमारा सेफ अटैम्प्ट, ध्यान रखना ये सेफ अटैम्प्ट बता रहा हूँ, कट ऑफ नहीं है, कट ऑफ इससे कहीं ज़्यादा जाएगी, वो नॉर्मलाइज होकर जाएगी, ये केवल सेफ अटैम्प्ट। अगर आप इतने अटैम्प्ट करके आए तो मीन्स की प्रिपरेशन में लग जाइए। UR का बताएं तो 75 से 80 प्लस क्वेश्चन अगर कोई बना के आया, इससे ऊपर ही हालांकि होना चाहिए, 75 से 80 प्लस क्वेश्चन बना के आया है तो वो बिल्कुल सेफ जोन में है, आप मीन्स की प्रिपरेशन लग जाइए, ठीक है। OBC के लिए 73 से 78 क्वेश्चन करके आया तो सेफ जोन है। EWS के लिए 71 से 75, SC के लिए 68 से 73 क्वेश्चन और ST के लिए 65 से 70 क्वेश्चन जो व्यक्ति करके आया है वो बिल्कुल सेफ जोन में आपका माना जाए। तो दोस्तों पूरा मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया, ठीक है, फिर बोल रहा हूँ जाइए टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए, PDF डाउनलोड कर लीजिए। ऐसी ये नहीं केवल ढेर सारा कंटेंट में इससे स्टडी रिलेटेड कंटेंट ही आपको इस जो है चैनल पर मिलेगा। देखिए इतना सारा मैं कंटेंट इसमें डालते रहता हूँ, PDF ढेर सारी PDFs मैंने डाल रखी, देखिए इतनी सारी PDFs वगैरह, क्वेश्चन वगैरह इंपॉर्टेंट जो होते हैं, वोकेबलरी डेली की, बहुत सारा कंटेंट मैं इसमें डालते रहता हूँ, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिल जाएगी, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए जय हिंद जय भारत।